बस्ती से जहां अनियंत्रित होकर एक कार नदी में जा गिरी है और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोगों की मौत हो गई है, 4 लोग घायल हुए हैं, हालत गंभीर बताई जा रही है। अमहट पुल के पास ये घटना हुई है। बस्ती से खबर आ रही है इस वक्त की। आपको बता दें, कार अनियंत्रित होकर नदी में गिरी, 3 लोगों की मौत हो गई है, 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। अमहट पुल के पास की ये घटना है। खबर बस्ती से इस वक्त की ये खबर जो आ रही है। आपको बता दें, एक कार अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी, हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। अमहट पुल के पास की यह घटना बताई जा रही है। और खबर पर बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं बीके गिरी संवाददाता बस्ती से। बीके, इस वक्त की जो खबर है वो यह है कि कार नदी में गिर गई है, हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, क्या है पूरा मामला? गिरी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हेलो जी, वीके गिरी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी बताइए जी, क्या कुछ है मामला? कार के गिरने की खबर है नदी में, 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है। जी आपको बताना चाहेंगे, ये सभी जो कार सवार थे उत्तराखंड से बिहार जा रहे थे कि बस्ती जिले के अमाट पुल पर कार अनियंत्रित होकर कुआना नदी में गिर गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनकी भी हालत गंभीर बनी हुई है। जी, बीके प्रशासन का क्या कहना है इस हादसे को लेकर, और कौन लोग थे, कहां जा रहे थे इस कार में सवार होकर? जी ये सभी बिहार जा रहे थे, दिवाली था, दिवाली के अवसर पर यह सभी उत्तराखंड में रहते थे, उत्तराखंड की गाड़ी थी जिसके जरिए यह अपने घर जा रहे थे। जी चलिए, तमाम मदद के लिए आपका शुक्रिया बीके गिरी। तो खबर बस्ती से जहां अनियंत्रित कार एक नदी में जा गिरी है, हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। उत्तराखंड से ये लोग बिहार के लिए जा रहे थे दिवाली के लिए, और ऐसे में बीच रास्ते में कार अनियंत्रित होकर और यह हादसा हो गया।